दोस्तों मैं आया हूँ मोटर सेंटर की तरफ से। आज देखने वाला हूँ टीवीएस XL 100 का जो किक स्प्रिंग रहता है, वो किक स्प्रिंग किस तरह से चेंज किया जाता है उस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी मैं काम शुरू करता हूँ। देखिए पहले इसको निकलना है, उसके बाद ये वाला को निकलना है। इधर ही किक स्प्रिंग रहता है, पहले इसको निकलना है। ए सेट का जितना स्क्रू है उसको निकालना है। पहले मैं इधर का जो तीन स्क्रू रहते हैं उसको निकाल रहा हूँ। हो गया, उसके बाद इधर का जो स्क्रू है उसको निकालना है। किक स्प्रिंग इसके अंदर है। किक को निकल रहा हूँ। ये XL 100 फोर स्ट्रोक का ये बाइक। देखिए स्प्रिंग इसको पहले इसको बाहर निकला। अब इधर एक लॉक रहता है, लॉक को निकल के स्प्रिंग को पूरा बाहर निकल रहा हूँ। इस लॉक को इसी तरह निकलना है। लॉक बाहर आ रहा है बोला। अरे वॉशर की स्प्रिंग एक एक स्प्रिंग बाहर आ गया। अभी देखिए अंदर वाला वॉशर भी बाहर आ गया। अभी इसको अंदर डाल के अभी स्प्रिंग फिट करना है। स्प्रिंग देखिए 29 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस है, ओरिजिनल है, जेन्युइन स्प्रिंग। देखिए खरीदने का टाइम देख लेना चाहिए किस तरह है। इसको अंदर डाल दिया। अभी बुश को डालना है, उस डाल के स्प्रिंग को इस तरह ये फिट हो गया। अभी एक वॉशर और एक लॉक को डालना है। डाला ये वाला लॉक तो पहले ही दिखाया, ये फिट हो गया। मेरा काम स्प्रिंग का ख़त्म हो गया। अभी मेरे को इधर का जो सामान खोला था उसको फिर से जोड़ना है। पहले
इसको इधर, इसको ये हो गया। अब इसका जो नट है इसको टाइट करना है। अभी ये नट को दे रहा हूँ, जितना नट है सबको देखकर टाइट कर लेना है। दोस्तों एक काम बोलिए, जानकारी बोलिए, ये लोग, ये आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसको जो फैन रहते हैं काम होने वाला है। किक फिट करने के बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हो गया काम, अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्ट मारो, जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।